पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। पृष्ठ 500। नारायण तेह्यादित्यादया आलोकदृष्ट्यादिना साचिव्यमाचरन्तो जीवात्मानं भोजयन्ति जीवात्मानमपि यजमानं तदुत्सिष्टहविरादानादिना आदित्यादयो मुञ्जन्ति। तस्माज्जीवात्मैव ब्रह्मणो भेदाद् ब्रह्मैव व्यदितव्यतया उपदिश्यते। ऐसा का वे जो आदित्य आदि देवगण हैं वे नेत्र मन आदि के अनुग्राहक सिद्ध होते हैं। नेत्र के अनुग्राहक सूर्य हैं, मन के अनुग्राहक चंद्रमा हैं, वाक के अनुग्राहक अग्नि देवता हैं। अधिदैव से आलोकित चेतित उद्भासित अध्यात्म अपने विषय रूप अधिभूत को अभिव्यंजक संस्थान स्थूल शरीर में सन्निहित गोलक के माध्यम से ग्रहण कर उसे जीव तक प्रेषित करने में समर्थ होता है। जीव अपने स्थान पर रहकर ही आदित्यादि के द्वारा प्रेषित पदार्थों का उपभोग करता है। अधिदैव अध्यात्म के अनुग्राहक उद्भासक होते हैं। अधिदैव के अनुग्रह उद्भासन से युक्त जो अध्यात्म करण वह अद्भुत संज्ञक विषय का ग्रहण करता है, उस अध्यात्म की अभिव्यक्ति में भी स्थूल शरीर में संलग्न तत्त्व गोलक अभिव्यंजक संस्थान की उपयोगिता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध और इनके अभिव्यंजक संस्थान सक चंदन वनितादि व्यंजनादि अध्यात्म के द्वारा अधिगृहित होकर अधिदैव के द्वार से जीव तक पहुँचते हैं। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में बताया जीव प्रज्ञा का भोक्ता होता है विषय का नहीं। इसका अर्थ है कि तत्वतः जीव ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान ही उसका भोग्य बन सकता है, अन्य कोई नहीं। घटपट स्त्री पुत्र सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि ज्ञान में परिणत होकर जीव तक
पहुँचते हैं। शब्द शब्द ज्ञान के रूप में, स्पर्श स्पर्श ज्ञान के रूप में, रूप रूप ज्ञान के रूप में, रस रस ज्ञान के रूप में, गंध गंध ज्ञान के रूप में, सुख सुख ज्ञान के रूप में, दुख दुख ज्ञान के रूप में, मोह मोह ज्ञान के रूप में जीव तक पहुँचता है। अब जो जीवात्मा देवताओं को आखिर भोग्य पदार्थ पहुंचाने में कैसे समर्थ है, इस पर वाचस्पति मिश्र जी ने कहा कि आखिर जीव ही यजमान के रूप में परिलक्षित होता है। प्राण अंतःकरण स्थूल शरीर के माध्यम से प्राणी कहा जाता है और वर्णाश्रम की रीति से यज्ञादि का कर्ता होकर इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न मम, इस प्रकार इंद्र आदित्यादि देवताओं को भी भोज्य पदार्थ दर्श पौर्णमास आदि के रूप में प्रस्तुत कर उन्हें संतृप्त करता है। बृहदारण्यक उपनिषद में सप्तान्न ब्राह्मण का विवेचन है। चावल दाल रोटी सब्जी आदि मनुष्य के अन्न हैं, दुग्ध पशु के अन्न हैं। जब तक मनुष्य के बच्चे के भी दुधी दांत नहीं, तब तक माँ के दुग्ध का पान ही करता है, एक प्रकार से पशु संज्ञा उसकी होती है। जो देवता होते हैं वे अमावस्या पूर्णिमा इन तिथियों के अनुरूप दर्श पौर्णमास नामक याग विशेष के माध्यम से परिपुष्ट होते हैं। फल इत्यादि चिड़ियों के अन्न हैं, भोज्य पदार्थ हैं, लेकिन जीव के अन्न कौन है? तो करुणात्मक सूक्ष्म शरीर ही जीव का अन्न सिद्ध होता है। उसमें छांदोग्य और बृहदारण्यक दोनों प्रक्रिया के अनुसार विचार करें तो वाक प्राण और मन इनका भोक्ता जीव सिद्ध होता है। वाक के माध्यम से शब्द की निष्पत्ति होती है, शब्द नामात्मक होता है, अविधेय को उद्भाषित करने वाला विधान ही माना जाता है। रूप का ग्रहण नेत्रों के द्वारा होता है, लेकिन पदार्थ का ग्रहण मन के द्वारा होता है और प्राण के द्वारा जीवन की सिद्धि होती है, क्रिया की निष्पत्ति होती है। जगत नाम रूप कर्मात्मक है, नाम रूप और कर्म की सिद्धि वाक मन और प्राण के द्वारा होती है। अतः वाक प्राण और मन जीव के अन्न है। अंत में इनका भी पर्यवसान ज्ञान में हो जाता है, तो ज्ञान ही जीव का या प्रज्ञा ही जीव का भोग्य सिद्ध होता है। लेकिन सामान्य रीति से वाक प्राण मन जीव के भोग्य, दर्श पौर्णमास याग विशेष देवताओं के भोग्य हैं। तो यह जो यजमान है
देवताओं को भी अन्न प्रेषित करता है, भोज्य पदार्थ दर्श पूर्णमास के रूप में प्रस्तुत करता है। तत्त याग के भोक्ता देवता होते हैं। नमाम कहकर अपना स्वामित्व भी निरस्त करता है। इसका अर्थ यह है कि जीव जब याग विशेष का संपादन करता है तब कस्मै देवाय हविषा विधेम आदि श्रुतियों के अनुसार द्रव्य और देवता मुख्य रूप से याग के स्वरूप होते हैं और द्रव्य का निक्षेप या समर्पण देवताओं के प्रति होता है। यद्यपि मनुष्य के रूप में यजमान होकर जीव देवताओं का आराधक उनका अनुग्रह प्राप्त होता है या अनुग्रह पात्र सिद्ध होता है, लेकिन जीव जहाँ अपने स्वरूप में स्थित है, जीव रूप से स्थित है, वहाँ तो वह देवताओं का भी कर्ता मान्य है। नीचे उतर कर देवताओं को भोज्य पदार्थ देने वाला है, अथवा इस प्रक्रिया के अनुसार अर्थ न करें क्योंकि इसमें देवता से अवर्ता यजमान की सिद्ध होती है। तो श्रीमद्भागवत में जो दसवें स्कंध में ब्रह्मा जी ने भाव व्यक्त किया है, उस प्रक्रिया के अनुसार जीव अधिदैव को भोज्य पदार्थ पहुंचाने वाला सिद्ध होता है, जैसा कि कल मैंने कहा। चषक पान पात्र को कहते हैं। तो इंद्रिय के द्वार से जब विषय का ग्रहण होता है तो विषय करण सुरजीव समेता सकल एक ते एक सचेता, इस दृष्टि से विचार करें तो रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्तया साक्षी दृगेव न दृश्यते आदि वचनों के अनुसार इंद्रियों की अपेक्षा चेतना की अधिक निष्पत्ति स्फूर्ति देवताओं में होती है। तो जीव के निमित्त इंद्रिय और देवता के द्वार से जो भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है उसका आस्वादन देवताओं को ही जाता है। अगर कोई भोजन बनाता है, भले ही उस भोजन का भोक्ता वह न हो, लेकिन छोंक लगाता है, उन सब की दृष्टि से कुछ न कुछ अंश तो भोजन का उसे प्राप्त हो ही जाएगा, गंध के रूप में सही क्या ऐसे ही उसे कौन मना करेगा। ऐसे ही देवता जीव तक भोज्य पदार्थ पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ न कुछ अंश तो देवताओं को मिल ही जाता है। एक सुधाकर ब्रह्मचारी शास्त्री थे, वैष्णव संत थे, बिहार मिथिला के थे, एक मठ के महंत भी थे। क्या हुआ पता नहीं, वहाँ से निकाल दिए गए या क्रोधित होकर छोड़ दिया। वाल्मीकि रामायण के अच्छे जानकार थे। परिस्थिति बस रामकृष्ण डालमिया के यहाँ दिल्ली में उन्हें नौकरी करना पड़ा। उन दिनों कुल 100 रुपये उनको दिया जाता था, भोजन अपने हाथ से बनाते। और यहाँ तक मैंने देखा है कि डालमिया के बाग में फावड़ा भी चलाते थे, हट्टे खट्टे मजबूत शरीर के थे। डालमिया की एक पत्नी का नाम था सरस्वती देवी, लखनऊ की कायस्थ परिवार की थी और साहित्य या व्याकरण से वह शास्त्री भी थी। कुछ काम उसके यहाँ सुधाकर ब्रह्मचारी जी अनुष्ठान का भी करते थे, आराधना उसके निमित्त परिवार के निमित्त। सरस्वती देवी ने एक बार पूछ दिया
ब्रह्मचारी जी, पंडित जी, आप जो हमारे लिए अनुष्ठान करते हैं दक्षिणा देकर संकल्प के माध्यम से, वो तो मैं ले लेती हूँ, आपको क्या मिलता है अनुष्ठान से वेतन के अलावा? पुण्य तो कुछ नहीं मिलता होगा, उन्होंने कहा मिलता है। कैसे मिलता है? बहुत अच्छा उदाहरण दिया और मुझको आकर बताया कि मैंने यह उदाहरण दिया, एक मिट्टी का घड़ा हो, ग्रोघित गाय का घी पूरा भर लें, भोजन बनाने में रोज उस घी का उपयोग हो जाए, लेकिन रोज फिर नया घी भरा जाए फिर उसका उपयोग हो जाए, तो चिकनाहट तो उस घड़े को प्राप्त होगा ही, और धीरे धीरे वो घट घी पी पी के बहुत मजबूत हो जाएगा, पक जाएगा और सुंदर हो जाएगा। कितना बढ़िया उदाहरण दिया, पंडित थे और सरस्वती देवी लोटपोट हो गई, महाराज बहुत अच्छा उत्तर, कितना मिला भाई उस घड़े को, कितना मिला? बहुत कम मिला, लेकिन नहीं मिला ये तो नहीं कह सकते ना। ऐसे ही तो देवताओं को भी कुछ ना कुछ भोग मिल जाता है। भावयंता परस्परम, परस्पर सद्भाव के द्वारा काम चलता है। अब कहते हैं तस्मात् जीवात्मैव ब्रह्मणो भेदात् ब्रह्मेह व्यदितव्यतया उपदिश्यते। जबकि बात ऐसी है इसलिए जीवात्मा ही, या सब पूर्व पक्ष चल रहा, ब्रह्म से अभिन्न होने के कारण ब्रह्म रूप से यहाँ वेदितव्य है, यह उपासना का प्रकरण हो गया। जीव में ब्रह्म बुद्धि कर लीजिए, क्योंकि जीव का जो लक्ष्यार्थ है वो ब्रह्म ही है, अथवा अंतर इतना ही है कि मलिन सत्व की उपाधि जब तक है तब तक जीव है, विशुद्ध सत्व की उपाधि से उस आत्मा की संज्ञा ब्रह्म हो जाती है, ईश्वर हो जाती है। तो जीव को ईश्वर कल्प, ब्रह्म कल्प समझकर आदित्य, चंद्र आदि जो अधिदैव हैं उनका सृष्टा कर्ता मान लेना चाहिए। प्राण की अपेक्षा जीव में चेतना शक्ति उन्नत है, अतः मुख्य प्राण को कदाचित अधिदैव मंडल का कर्ता मानने में कोई संकोच हो तो जीव को तो मान ही लेना चाहिए। आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप, आधिदैविक ताप, ताप माने वेदना, कष्ट, दुख के तीन भेद किए गए। पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि बाह्य पदार्थों के द्वारा जो कष्ट मिलता है, सांस नहीं हो कर दिया, सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, ताप की प्राप्ति तो मन के द्वार से होती है, लेकिन ताप को देने में निमित्त कौन हो गया? अधिभूत, बैल इत्यादि प्राणी बाह्य पदार्थ। शरीर में ज्वर इत्यादि होने से जो ताप वेदना की प्राप्ति होती है उसका नाम है आध्यात्मिक। मानस रोग से चिंता के कारण, काम ज्वर के कारण, क्रोध के कारण, लोभ के कारण जो ताप होता है उसको भी आध्यात्मिक कह देते हैं। आधि और व्याधि, मन में है आधि मानस रोग, शरीर में व्याधि, वात पित्त कफ जन्य, ठोकर लगने से चोट आदि जन्य। अब दासबोध के अनुसार बोलें तो यम यातना जो मिलती है, यमदूत और यम जो दंड देते हैं, उसका नाम कह सकते हैं आधिदैविक है। दूसरी दृष्टि से अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि जो कष्ट में हेतु हैं, अधिदैव के कुपित होने पर जिन कष्टों की प्राप्ति होती है उनका नाम आधिदैविक।
दुख के भी तीन प्रभेद हैं, सुख के भी। अब विवक्षावसात या जो स्थूल शरीर है जिसको लेकर आपने प्रश्न किया, एक रकम से एक प्रकार से अद्भुत है, एक प्रकार से अध्यात्म। इदम शरीरम कौनते या क्षेत्र मित्य विधीयते, इस दृष्टि से विचार करें तो जैसे बाह्य कचौरी पूरी रबरी आदि का शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में ग्रहण होता है, वैसे ही शब्द के रूप में ग्रहण हो गया चुटकी बजाने से। अपने ही हाथ से अपने शरीर को छुआ तो हाथ ही को छुआ दो, स्पर्श का ग्रहण हो गया। अपने ही रूप को देखा तो रूप का ग्रहण हो गया, और थोड़ा वोट छिट गए उसी रक्त को पी लिया तो क्या रस भी भोग्य बन गया। शरीर से सुगंध या दुर्गंध सेंट आदि के कारण अस्वाभाविक गंध की प्राप्ति हो गई, पसीना आदि के कारण दुर्गंध की, तो अपना शरीर भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में ग्राह्य होता है। इसलिए बाह्य स्त्री पुत्र परौंठे पूरी डालमा आदि के समान, कचौरी आदि के समान, दीर्घ सस्कुली के समान यह शरीर भी जब हम भोग्य कोटि में डाल देते हैं तो अधिभूत हो जाता है। लेकिन कर्मेंद्रिय अध्यात्म है, करण का नाम अध्यात्म, कर्मेंद्रिय अध्यात्म है, ज्ञानेन्द्रिय अध्यात्म है, क्योंकि आत्मा का अभिव्यंजक संस्थान है। कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंध का वचन हो सकता है, लक्षण ही अनुमापक ही है, यह अनुमापक लक्षण कर्णग्राम के द्वारा प्रयोक्ता कर्ता का अनुमान होता है। इस दृष्टि से विचार करें तो आत्मा का अभिव्यंजक संस्थान करणात्मक जो सूक्ष्म शरीर है उसका नाम अध्यात्म है। उसका अभिव्यंजक होने के कारण स्थूल शरीर को भी अध्यात्म कहते हैं। तो विवक्षावसात क्या करें, अध्यात्म के खाने में भी डाल सकते हैं, खाते में अद्भुत के खाते में ही डाल सकते हैं। दो जिला, दो शहर, दो प्रांत, दो देश की जो सीमा होती है, अब वो सीमा न उसकी ऐसा तो नहीं कह सकते, तो उधर भी डाल सकते, सीमा को इधर भी डाल सकते, संधि है। इसी प्रकार बीच में कौन है? स्थूल शरीर। अध्यात्म के रूप में इसकी पहचान अधिक है, और जो कुछ इदम शरीरम कौनतेय की दृष्टि से विचार करेंगे और शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा यह भी ग्राह्य है, तब इसको विवक्षावसात अद्भुत कोटि में भी डाल सकते हैं। ठीक, इसके लिए दासबोध पढ़ना चाहिए, हिंदी अनुवाद। हमने 60 साल पहले 65 साल पहले दासबोध पढ़ा होगा, बहुत बढ़िया ग्रंथ। अध्यात्म के लिए व्यवहार दोनों के लिए वर्मा जी ने हिंदी में अनुवाद बहुत वर्ष पहले किया। अध्यात्म का ज्ञान चाहिए तो व्यवहार में कुशलता चाहिए तो, राजनीति का ज्ञान चाहिए तो हमने लगभग 50 बार पढ़ा होगा। 14 प्रकार के माइक ब्रह्म का वर्णन है, समर्थ रामदास जी ने शिवाजी के लिए ग्रंथ लिखा दासबोध, मराठी में है मूल, अभंग कविता है लेकिन गद्य में हिंदी अनुवाद बहुत बढ़िया वर्मा जी को ही हुए हैं, उन्होंने किया। तो हमने यह बताया कि अध्यात्म किसको कहते हैं। तस्मा जीवात्मैव ब्रह्मणो वेदात् ब्रह्मेह वेदितव्यतया उपदिश्यते, यहाँ जो जीवात्म तत्व है वही ब्रह्म माना जाता है। जीवो ब्रह्मैव ना पढ़ा, जीवो ब्रह्मैव शुक्र रहस्योपनिषद और भगवान शंकराचार्य जी का ब्रह्म ज्ञानावली नामक एक ग्रंथ है, उसमें भी है जीवो ब्रह्मैव ना पढ़ा।
अपने यहाँ से इसकी टीका प्रकाशित है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा। ब्रह्म सत्यम ब्रह्म ज्ञानावली माला, ब्रह्म सत्यम ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या जगत मिथ्या है, जीवो ब्रह्म जीव ब्रह्म ही है न कि कुछ और। अब लोग कहते हैं, विशेषकर वैष्णव बहुत चिढ़ते हैं इस श्लोक से, जगत को मिथ्या क्यों कह दिया। अब उनको पता नहीं कि यह तो श्रुति है, शंकराचार्य ने तो केवल उद्धृत की। क्या श्रुति है? निरालंबोपनिषद है यह, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, याद रखना चाहिए। निरालंबोपनिषद है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो शंकराचार्य के इस सिद्धांत का खंडन करने का अर्थ होता है अपना खंडन, क्योंकि आप अगर वैदिक हैं तो अष्टोत्तर शत उपनिषद में निरालंबोपनिषद को भी मानने के लिए आप तत्पर रहिए। वहाँ तो बताया गया है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव, यह वचन शुक्र उपनिषद का है। मैंने जो इस पर टीका लिखी है, इसका अनुवाद किया है ब्रह्म ज्ञानावली माला का, एक भी पारिभाषिक शब्द ऐसा नहीं शंकराचार्य ने प्रयुक्त किया जो उपनिषदों में पहले से ना हो। तो शंकराचार्य के इस सिद्धांत का खंडन उपनिषदों का ही खंडन है। आप महानुभावों को, हम तो सभी आचार्यों को, वैदिक आचार्यों को मानते हैं, क्योंकि एक ग्रंथ है प्रस्थान भेद, मधुसूदन सरस्वती जी का ग्रंथ है प्रस्थान भेद, उसमें उन्होंने कहा, ये जो वल्लभ राय जी जो हैं वल्लभाचार्य जी सूरत वाले, हमारी इस बात का उनको बहुत अच्छा प्रभाव लगा, इस बात पर बहुत प्रसन्न हुए, हमारे साथ उनका बहुत मधुर व्यवहार है। मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा, सांख्य वैदिक प्रस्थान है, वैदिक प्रस्थान, योग वैदिक प्रस्थान है, न्याय वैशेषिक वैदिक प्रस्थान है, पूर्व मीमांसा भी, इन सब के जो आचार्य हुए हैं सब सर्वज्ञ हुए। इसका मतलब कर्णाद जी भी सर्वज्ञ हुए, गौतम जी भी सर्वज्ञ हुए, जैमिन महर्षि को भी सर्वज्ञ माना है, पतंजल जी को भी सर्वज्ञ माना है, कपिल जी को भी सर्वज्ञ माना है मधुसूदन जी ने। तब उठा प्रश्न कि इन वैदिक आचार्य हैं, आपस में तो सिद्धांत को लेकर बहुत मतभेद है। तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो इस प्रकार है, हम अपने शब्दों में कहते हैं, सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की भावना से उन्होंने इस प्रकार के मत को ख्यापित किया, लेकिन वो थे सब सर्वज्ञ, क्योंकि एकाएक जो वेदांत का चरम सिद्धांत है उसको बता भी दिया जाए तो लोग बताने वाले को पागल कहेंगे। इसरो में जो सर्विस छोड़ के अभी सामाजिक सेवा के लिए पांडे लगने वाले हैं, उन्होंने फोन किया ऋषिकेश जी को कि लोग मुझे पागल कहते हैं, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के, इतना बड़ा पद छोड़ के, इतने बड़े वेतन सम्मान को छोड़ करके समाज सेवा के नाम पर नौकरी छोड़ दी, मुझे तो लोग पागल कह रहे हैं। समझ रहे क्या? तो मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा, सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति, जो वेदांत का चरम सिद्धांत है वो सार्वजनिक सभा में बोल भी दें, या जो वेदांत संस्कार से संपन्न नहीं है तो पागल ही कहेंगे, जगत हुआ ही नहीं अजातवाद। जितने बार वट वृक्ष को देखोगे नया ही उत्पन्न होगा, जितने बार पत्नी का दर्शन होगा नई ही उत्पन्न होगी, कौन मानेगा? जन्म हुआ ही नहीं,
हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, जानते हैं, लेकिन इतना ऊंचा जो सिद्धांत है उसको व्यक्ति कैसे सहलेगा एकाएक। तो सत्य सहिष्णुता की कमी कभी व्यक्ति में तात्पर्य है। प्रश्न उठता है न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा सांख्य योग के रचयिता आचार्य की अपेक्षा तो वैष्णवाचार्य हमारे बहुत सन्निकट हैं, जब उन्हीं को मधुसूदन सरस्वती जी ने क्या कह दिया सर्वज्ञ, तो इन आचार्यों को चाहे मध्वाचार्य जी हों, चाहे रामानुजाचार्य जी हों, चाहे अवान्तर भेद रामानंदाचार्य जी हों, चाहे निम्बार्काचार्य जी हों, चाहे वल्लभाचार्य जी हों, ये क्यों नहीं सर्वज्ञ? जब वे सर्वज्ञ हो सकते तो ये भी सर्वज्ञ हो ही सकते हैं। ये तो हमारे उनकी अपेक्षा बहुत सन्निकट हैं। मध्वाचार्य जी 80% सन्निकट हैं तो रामानुजाचार्य जी द्वैत प्रधान अद्वैत को मानकर और हमारे बहुत सन्निकट हो गए। उनसे भी सन्निकट द्वैत अद्वैत को समान बल प्राप्त है कहने वाले निम्बार्काचार्य हो गए। उनसे भी सन्निकट हमारे वल्लभाचार्य जी हो गए। 98% सामंजस्य वल्लभाचार्य जी से है, 96% सामंजस्य निम्बार्काचार्य जी से है, उससे कुछ कम सामंजस्य शंकराचार्य जी की दृष्टि से बोल रहा हूँ। तो रामानुजाचार्य जी से 80% सामंजस्य तो मध्वाचार्य जी से भी है, और ये सब आचार्य भी सर्वज्ञ सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में इनका तात्पर्य है, इस दृष्टि से कहा गया। अब जीव साक्षात ब्रह्म तो नहीं है, लेकिन जीव और ब्रह्म का भेद होता भी है एक दृष्टि से। उस जीव को ब्रह्मकल्प मानकर यहाँ पर अधिदैव मंडल के कर्ता के रूप में श्रुतियों ने ख्यापित किया है, या पूर्व पक्ष पूर्ण हुआ। यस्य वै तत् कर्मेति जीव प्रयुक्तानां देहेन्द्रियादीनां कर्म जीवस्य भवति। यस्य वा एतत् कर्म, वा जो है उत्तर पक्ष की दृष्टि से कैमुतिका न्याय को ख्यापित करने वाला है। इसका मतलब जो संपूर्ण जगत बना सकता है और बनाता है, फिर क्या कहना कि सूर्यादि अधिदैव को रचता है। सुतराम वह तो सिद्ध है ही। जीव प्रयुक्ता नाम देहेन्द्रियादि नाम कर्म जीवस्य भवति। जीव कर्तृक कर्म कौन होते हैं, जीव प्रयुक्त कर्म कौन होते हैं? तो जीव अपने करण, प्राण अंतःकरण इंद्रिय का प्रयोक्ता होता है, और स्थूल शरीर का जो बाह्य भाग है उसमें पंच कर्मेंद्रियों को व्यक्त करने की क्षमता है। पंच ज्ञान इंद्रियों के गोलक अभिव्यंजक संस्थान स्थूल शरीर के बाह्य भाग में है, अभ्यंतर भाग में अंतःकरण चतुष्टय और प्राण पंचक को व्यक्त करने के संस्थान हैं। यह स्थूल शरीर समग्र सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान होता है। जीव इनका प्रयोक्ता होता है, देहेन्द्रिय प्राण अंतःकरण का। इस प्रकार से जीव कर्ता हो ही सकता है। प्राण का भी प्रयोक्ता जीव होता है, तो अधिदैव का प्रयोक्ता क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि प्राण मुख्य प्राण में जब अधिदैव का कर्तृत्व हम मानेंगे तब तो जीव में प्राण से भी उत्कर्ष की प्राप्ति स्वतः सिद्ध होगी। धीरे धीरे आज बोल रहा हूँ। कर्मजन्यत्वाद वा धर्माधर्मयो कर्म शब्द वाच्यत्व रूढ़ानुसारात् अथवा वाचस्पत मिश्र भामतिकार का कथन है, कर्म से जो जन्य होगा उसे भी कर्म मान लिया जाता है। अरे नंद के ऐसा राघव और रघु, सीधे तो रघु के पुत्र नहीं है लेकिन रघु के जो सीधे पुत्र हुए वहाँ से लेकर राम जी तक को, लवकुश तक को राघव कह ही सकते हैं। रघु के वंश में हुए उनको राघव कहा जाता है। यहाँ कम से कम पिता के नाम पर प्रसिद्धि हुई, लेकिन कहीं कहीं जैसे कि छांदोग्य आदि में पृथ्वी का कार्य जो अन्न है उस अन्न को पृथ्वी के स्थान पर प्रयुक्त कर दिया गया, अन्न का अर्थ वहाँ पृथ्वी हो गया। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में तत्व निरूपण नामक एक अध्याय है, कभी कभी कारण के अर्थ में कार्य का प्रयोग हो जाता है, कभी कभी कार्य के अर्थ में कारण का प्रयोग हो जाता है अंतर्भाव की दृष्टि से। यद्यपि कर्मजन्य धर्म शुभा कर्मजन्य धर्म अधर्म होते हैं, लेकिन जनक के अर्थ में जन्य का प्रयोग मानकर धर्माधर्म जो कि कर्मजन्य हैं उनको भी हम कर्म मान ही सकते हैं। रूढ़ानुसारात यहाँ पर समुदाय प्रसिद्ध अर्थ रूढ़ार्थ की दृष्टि से यह तथ्य समझना चाहिए। रूढ़ार्थ के अनुसार तौ च धर्माधर्मौ जीवस्य धर्माधर्माक्षिप्तत्वाच्चादित्यादीनां भोगोपकरणानां तेषु जीवस्य कर्तृत्वम् उपपन्नम्। जीव के द्वारा ही अनुष्ठित धर्माधर्म होते हैं। अब धर्माधर्म को लेकर ही वास्तव में अधिदैव इत्यादि की भी संरचना होती है। आखिर मनुष्यादि योनियों की प्राप्ति जैसे जीव के शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप हैं, ऐसे जीव ही तो 84 लक्ष योनियों को पाटता है। अपने शुभाशुभ कर्म के अनुसार कभी देवता बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी पशु पक्षी इत्यादि बनता है, कभी वृक्ष बनता है, और महाभारत आदि में तो नदी बन जाता है, पर्वत बन जाता है। द्रौपदी आदि के जन्म का वर्णन है, कोई कोई जीव नदी भी बन जाता है, कोई कोई जीव पर्वत भी बन जाता है। हम नदी को तो हम स्थावर प्राणी भी नहीं कहेंगे, लेकिन जीव कभी कभी अमुक नदी भी बन जाता है। और वैसे ही है, सरस्वती नदी जब कहते हैं तो ब्रह्मलोक में रहने वाली सरस्वती का ही एक विग्रह है। कालिंदी यमुना को कहते हैं तो भी एक देवी विशेष का विग्रह है। गंगा भी एक देवता विशेष का विग्रह है। इस प्रकार से जीव अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार इस जगत को पाटे हुए है। क्या अधिभूत, क्या अध्यात्म, क्या अधिदैव,
जीव के कर्म के फल स्वरूप निर्मित होते हैं। नरक, कर्मनाशा आदि जो अशुभ पुण्यों के अपहारक पदार्थ हैं और जीवों के अशुभ कर्म के फल स्वरूप बनते हैं। कर्मनाशा में स्नान करने पर पुण्य नष्ट होता है। एक बार मैं बोल रहा था तुलसीदास जी के रामायण के अनुसार, आनंद वृंदावन स्वामी अखंडानंद सरस्वती के माध्य आश्रम में, अब वहाँ काशी क्षेत्र के कई लोग थे श्रोता। बाद में उन्होंने कहा भविष्य में महाराज ऐसा मत कहिएगा, हमको कष्ट होता है, कष्ट होगा। हमने कहा क्या बात, हम तो कर्मनाशा के तट पर रहते। उन दिनों तो नदियाँ शुद्ध थी, बहुत वर्ष पहले की बात, उसका पानी भी पीते हैं, हमारे पशु भी, हमारी खेती सब तो कर्मनाशा पर निर्भर है। हम तो स्नान भी करते हैं कर्मनाशा में। आप हाँ, काशी के क्षेत्र में, काशी क्षेत्र में, क्षेत्र में कहा, काशी में नहीं, काशी के क्षेत्र में। हाँ, कहीं वैसे ना भ्रम हो जाए जैसे हो गया किसको, अंकुर देवता को। हमने कहा चाहे पूर्व मीमांसा हो चाहे उत्तर मीमांसा हो, तात्पर्य निर्णय के जो षड्विध लिंग हैं इन्हीं के आधार पर इनकी संरचना होती है। अब उपनिषदों में भले ही षड्लिंग परक श्लोक या वचन ना हो, लेकिन जब उपनिषद का अर्थ लगाते हैं तो षड्लिंग को ही प्रमाण मानकर आचार्य लगाते हैं। पूर्वोत्तर मीमांसा भी सूत्र में है, उपक्रम उपसंहार वाला श्लोक है, वो कारिका है। तो उपक्रम उपसंहार वाला जो वचन है कारिका है, वो सूत्र में कैसे होंगे, सूत्र के लक्षण ही उसमें नहीं है। लेकिन यह श्लोक किसी की रचना भी क्यों ना हो और किसी ग्रंथ में समुद्धित भी क्यों ना हो, सर्वदर्शन संग्रह में बृहद संहिता का वचन माना गया। हो सकता है बृहद संहिताकार ने भी स्वतः इसकी रचना न की हो, रचना इस श्लोक की किसी ने भी की हो, लेकिन रचना के पहले भी जितने ग्रंथ पौरसे या पौरसे होते हैं सबका तात्पर्य तो उपक्रमोपसंहार आदि के ढंग से ही होता है। मैंने कहा काशी क्षेत्र के बहुत से व्यक्ति थे, उन्होंने कहा हमारा काम तो कर्मनाशा के बिना चलते ही नहीं महाराज। तो ठीक है, लेकिन शास्त्र तो शास्त्र है, गंगा में स्नान करने से पापक क्षय होता है, कर्मनाशा में स्नान करने पर क्या होता है, पुण्य का क्षय होता है। तो ये जो अशुभ पदार्थ हैं जो पुण्य के अपहारक हैं वे भी तो सृष्टि में हैं, उनकी संरचना भी जीवों के शुभाशुभ कर्म को द्वार बनाकर ही है। इसलिए जीव मानो अपने शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप 84 लक्ष योनियों को पाटे हुए है। देव धनुज ये सब के सब जीव के शुभाशुभ कर्म के अनुसार ही अभिव्यक्त हुए हैं। इस प्रकार कर्मद्वार से सृष्टि की संरचना के प्रकल्प को स्वीकार करें तो जीव को हम अधिदैव का भी कर्ता मान ही सकते। तौ च धर्माधर्मौ जीवस्य धर्माधर्माक्षिप्तत्वाच्चादित्यादीनां भोगोपकरणानां तेषु जीवस्य कर्तृत्वं उपपन्नम्। आदित्य जो हो गए देवता, चंद्रमा देवता, वो जीव के भोग के उपकरण भी बन गए, क्योंकि अधिदैव के माध्यम से ही जीव तक भोग्य पदार्थ पहुँचते हैं और जीव भी इनका उपकरण बन जाता है। वामतिकार के अनुसार जब इनके निमित्त इंद्राय स्वाहा आदि दृष्टि से यजमान के रूप में आहुति डालता है, सोमयाग इत्यादि का कर्ता होता है, तो
तो अधिदैव का पोषक जीव हो जाता है, जीव के पोषक उपकरण अधिदैव हो जाते हैं। लेकिन परोवरीय क्रम से विचार करें तो जीव के कार्य अधिदैव सिद्ध होते हैं, अधिदैव के कार्य जीव नहीं सिद्ध होते, ऐसा प्रसंग अनुसार पूर्व पक्ष। उपपन्नम च प्राणभित्वाद् जीवस्य प्राण शब्दत्वम्। अब रह गई बात जीव कर्ता या प्राण कर्ता, मुख्य प्राण को कर्ता मानोगे या जीव को कर्ता मानोगे, तो कहते वाह प्राणभृत, प्राण का पोषक भरता है जीव, तो उसको प्राणी कहते ही हैं। प्राण शब्दत्वम जीवस्य, तो जीव के लिए प्राण शब्द का प्रयोग हो ही सकता है, क्योंकि प्राण का जो भरता है उसको प्राण कहते हैं। प्राण का प्राण हुआ, प्राण का जब प्राण हुआ तब वो प्राणात्मक हो ही गया। ये च प्रश्न प्रतिवचने क्वई सत एतत् बाला के पुरुषोषयिष्ट यदा सुप्त स्वप्नम न कंचन पश्यति इति अनयोरपि न स्पष्टम स्पष्टम ब्रह्माभिधानम उपलभ्यते जीवध्यतिरेकश्च प्राणात्मनो हिरण्यगर्भस्यापि उपपद्यते तस्मात् जीव प्राणयोः अन्यतर इह ग्राह्यो न परमेश्वर इति प्राप्तम्। यहाँ तक पूर्व पक्ष, एवं प्राप्ते उच्यते से उत्तर पक्ष। अब कहते हैं अनयोरपि, हाँ प्रश्न और प्रतिवचन उत्तर के संदर्भ में जब सुषुप्ति की सिद्धि होती है तो वस्तुतः यह जो प्राण है कहाँ जाकर किस रूप में शेष रहता है। जब पुरुष सोया हुआ माना जाता है उस समय उसकी स्थिति कहाँ होती है, इस प्रकार का प्रश्न हुआ। जब सुप्त पुरुष स्वप्न भी नहीं देखता, जागर के लक्षण भी, स्वप्न के लक्षण भी सुषुप्ति में चरितार्थ नहीं होते, कर्णग्राम कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय अंतःकरण इनका प्रयोक्ता भी जीव नहीं रहता, हमीच प्रसुप्ते अहम भी सो जाता है, उस समय क्या स्थिति होती है। अनयोरपि न स्पष्टम ब्रह्माभिधानम उपलभ्यते, ये जो जीव कहें या प्राण कहें इनको लेकर स्पष्ट रूप से अजात शत्रु ने ब्रह्म शब्द का प्रयोग नहीं किया कि ब्रह्म ही इनका आश्रय होता है, ब्रह्म में ही जाकर ये सन्निहित हो जाते हैं। बात यह है कि विवक्षावसात गाढ़ी नींद में प्राण की विद्यमानता मानी जाती है और प्राण की विद्यमानता नहीं भी मानी जाती। छांदोग आदि में प्राण की विद्यमानता गाढ़ी नींद में मानी जाती है लेकिन मांडुक्य के अनुसार नहीं मानी जाती। दोनों प्रक्रिया में अंतर है और फिर सामंजस्य भी है क्या, क्योंकि उपनिषदों में आपस में विज्ञान नहीं है, गुणोपसंहार न्याय से कहीं कहीं तात्पर्य की निष्पत्ति होती है। सोया हुआ व्यक्ति या गिदत्त सोमदत्त इत्यादि जो जागर दशा को प्राप्त व्यक्ति है उसकी दृष्टि से प्राणस्पंदन युक्त है या
जो सोया हुआ है उसकी दृष्टि से प्राणस्पंदन युक्त है वह। हमारा एक शब्द है अभानात्मक वियोग। सुषुप्ति में प्राणस्पंदन का बोध होता है क्या? पर दृष्टि से प्राणस्पंदन है या स्वदृष्टि से सुषुप्ति में प्राणस्पंदन है? ऐसे मूर्छित व्यक्ति प्राणस्पंदन युक्त है पर दृष्टि से या स्वदृष्टि से? पर दृष्टि से। इसीलिए एको नविंशत मुखः, सुप्त पुरुष के लिए नहीं, जागर और स्वप्न दशा को लेकर वैश्वानर तेजस के ये करण हैं 19। 14 करणों का उपोद्वलक प्राण होने के कारण आनंद गिरी टीका के अनुसार उनको भी करण मान लिया गया। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेन्द्री, 5 प्राण, अंतःकरण, चतुष्टय की संख्या कितनी हो गई? 19। 19 करणों वाला प्राज्ञ है ऐसा तो नहीं कहा, चेतो मुखा कहा, एको नविंशत मुखा नहीं कहा, चेतो मुखा कहा प्राज्ञ को। चेतो मुखा में तो फिर क्या करेंगे, प्राण भी 19 में से कोई भी नहीं है। तो प्रसुप्त जो पुरुष माना जाता है उसकी स्वदृष्टि से तो प्राण का भी अभानात्मक वियोग होता है, पर दृष्टि से प्राणस्पंदन विद्यमान है। नहीं तो मरा हुआ व्यक्ति और जीवित व्यक्ति की विभाजक रेखा ही विलुप्त हो जाएगी। पर दृष्टि से अस्वदृष्टि से कभी कभी पर दृष्टि से भी बात कही जाती है, कभी कभी स्वदृष्टि से बात कही जाती है। तो पर दृष्टि से प्राण विद्यमान रहता है तो अजात शत्रु ने जो प्रयोग करके दिखाया वहाँ पर प्राण के जो वाचक शब्द होते उन्हीं 3 शब्दों का नाम लिया, लेकिन सुप्त व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में छड़ी के सहारे, कहीं कहेंगे हाथ पकड़ कर हिलाया, कहीं छड़ी के सहारे खटखटाने पर वो व्यक्ति जग गया। तब यह उठा कि प्राण तो जगा था, प्राणस्पंदन तो विद्यमान था, अगर प्राण में ही कर्तृत्व होता, चेतनत्व होता, मुख्य कर्तृत्व प्राण में होता तो उसको सुन के जगना चाहिए था, जगा नहीं। हिलाने पर अंतःकरण जब उद्बुद्ध हो गया तब बेचारा जग पड़ा। यह प्रयोग करके दिखाया गया, तब कहते हैं न तो जीव को लेकर न प्राण को लेकर ब्रह्म शब्द की प्रवृत्ति साक्षात है, इसीलिए यहाँ पर अधिदैव के कर्ता के रूप में प्राण को स्वीकार करें या जीव को, या सचमुच में उपक्रम में प्राप्त प्रतिज्ञा के बल पर, उपसंहार में प्राप्त निष्पापत्वादि के बल पर ब्रह्म को ही स्वीकार करें, यह प्रश्न है। अनयोरपि न स्पष्टम ब्रह्माभिधानम उपलभ्यते जीव व्यतिरेकश्च प्राणात्मनो हिरण्यगर्भस्यापि उपपद्यते। जीव से व्यतिरिक्त प्राणो प्राणात्मा हिरण्यगर्भ की भी समुपलब्धि मानी गई। अब यह सब जो है प्रक्रिया की दृष्टि से गड़बड़ लगेगी, लेकिन मूर्धन्य विद्वान वाचस्पति मिश्र लिख रहे हैं तो वो कोई प्रक्रिया के विरोध में नहीं लिख सकते, क्योंकि हिरण्यगर्भ को उन्होंने प्राण माना, प्राण का अर्थ किया हिरण्यगर्भ। तो प्राण विद्यमान रहता है सुषुप्ति में, तो हिरण्यगर्भ भी विद्यमान रहता है सुषुप्ति में। प्राण का नाम लेकर पुकारने पर प्राण नहीं जगा, माने प्राण को कुछ पता ही नहीं चला, तो इसका मतलब हिरण्यगर्भ को भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन हिरण्यगर्भ क्या जड़ है? ऐसा प्रश्न उपस्थापित किया जा सकता है।
भगवान शंकराचार्य ने तो प्राण का स्पष्टीकरण छोड़ दिया। टीकाकारों पर टीकाकार वामतिकार ने स्पष्ट कह दिया हिरण्यगर्भ। अब हिरण्यगर्भ की स्थिति सुषुप्ति में साक्षात है या बीज रूप से है, तो प्राणस्पंदन है तो प्राणोपाधिक चेतन का नाम हिरण्यगर्भ हो गया। चेतन दृष्टि से वो कर्ता हो सकता है, लेकिन अन्वय व्यतिरेक से अजात शत्रु ने यह सिद्ध किया कि वो प्राण जड़ है। तो सामान्य रीति से जो प्राण जड़ है उसी का उल्लेख हुआ, क्योंकि हिरण्यगर्भ का उल्लेख होता तो सुषुप्ति में एक तो हिरण्यगर्भ की विद्यमानता, दूसरे प्राण के जड़ होने के कारण उसकी भी जड़ता सिद्ध होती। प्राण तो नहीं जगा, बात क्या थी यहाँ पर एक अंश में है, प्राण के नाम लेकर पुकारे पांडुर्वास सबके तीन तीन शब्द हैं, लेकिन जो जीव मनुष्य सोता है जिस नाम के प्रति उसका अभिनिवेश होता है कि इस नाम वाला मैं हूँ, उस नाम को दो चार बार लिया जाए कभी एक ही बार तो जग जाता है। प्राण के आ नाम लेकर पुकारा तो प्राण नहीं जगा, क्या ये आंशिक प्रयोग हुआ ना, क्या अब आत्मा का नाम लेकर ए ब्रह्म ए आत्मा ये सत ये चित ए प्रिय कहने पर भी व्यक्ति नहीं जगेगा, तो क्या सत्चित प्रिय को हम जड़ मान लें, एक आंशिक प्रयोग है। क्योंकि अब एक जगह बिहार वाले प्रायः मिथिला वाले बहुत विनोदी होते हैं, विनोद की भूमि है, एक नाम भी याद नहीं है, दो तीन व्यक्ति थे कहीं में बिहार में या झारखंड में, उन दिनों झारखंड बिहार ही था, कार्यक्रम में था शंकराचार्य के पद पर, दोपहर में विश्राम करने लगा, उन लोगों ने हमको छकाने के लिए क्या किया, टोली बना दी, नीलांबर, तब तक कमरा किवाड़ बंद करके गए था, नींद नहीं आई थी, कुछ नहीं प्रभाव पड़ा मुझ पर, पाँच मिनट बाद नीलांबर, कोई वहाँ से बोले कोई वहाँ, अब उन लोगों को नहीं मालूम सन्यासी से विनोद करना तुम लोगों का ज्ञान ही नहीं, विनोदी ठहरे, फिर नहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तीसरी बार फिर बोले पाँच मिनट बाद नीलांबर, अब गुदगुदी पैदा हो गई, अरे ये तो मेरा नाम है, बचपन में था विद्यार्थी जीवन में, कुछ गुदगुदी पैदा हुई, दो बार में पता ही नहीं चला किसका नाम, मेरा नाम था, समझ गया। फिर ए नीलांबर, तो मैंने किवाड़ खोल के कहा क्या विनोद करता है, नहीं नहीं आपको कैसे करेंगे आप सन्यासी, किसी और का नाम नीलांबर था उसे पुकार रहे थे, ये तो हो गया, मैंने उनको मन से गुरु बना लिया। अब देखो जैसे पानी का स्रोत नीचे चला जाए फिर बोरिंग करे तो ऊपर आ जाए, तो सन 60 तक नीलांबर नाम था, और ये घटना होगी 95 की मान लीजिए, 92 में शंकराचार्य हुआ, कितने वर्ष हो गए, 70, 80, 90 35 वर्ष बाद तीन चार बार नीलांबर कहने पर हुआ ये तो मेरा नाम रहा, क्या ये हुआ। अब कई नाम, एक मेरा नाम था प्रबुद्ध चैतन्य, तत्वबोध नामक पुस्तक में वही मैंने लिखा है, तो किसी ने कहा कि यह नाम बहुत कठिन है नैमिष वालों को, तो नाम रख दिया धर्म चैतन्य। एक विद्यार्थी आया एक ब्रह्मचारी, कहा महाराज इनका नाम धर्म चैतन्य कैसे रख दिया, मेरा नाम आपने धर्म चैतन्य रखा, तो दो नाम भी बदल गए। फिर कहा प्रबुद्ध चैतन्य, तो विवेकानंद जी ने कहा प्रबुद्ध शब्द बड़ा कठिन है, ये नाम ठीक से रखिए, तब नाम रख दिया ध्रुव चैतन्य। अब लो जी दो वर्ष में तो तीन चार नाम बदल गए, अब किस किस नाम को लेकर, अब जो है 92 से शंकराचार्य पद पर नहीं संन्यास के होकर
74 में संन्यास हुआ है। अब 74 के बाद में निश्चलानंद नाम, कोई मैं नाम माला नहीं जपता, लेकिन निश्चलानंद कहने पर संवेदन होगा या नहीं, अब ध्रुव कहने पर भी नहीं होगा, नीलांबर कहने पर प्रायः नहीं के बराबर होगा, है या नहीं। किसी नाम को लेकर 6 महीने रहे, किसी नाम को लेकर 3 महीने रहे, तो मैंने अपनी ओर से कहा प्राणवाचक नाम लेकर पुकारा तो व्यक्ति नहीं जगा। इतने अंश में यह प्रमाण है कि प्राण का नाम लेकर पुकारा लेकिन प्राण नहीं जगा, प्राण जड़ है, इतने अंश में प्रयोग है। वास्तव में सोने वाले को मन का पर्यायवाचिक नाम लेकर, बुद्धि के पर्यायवाची नाम लेकर, अहंकार के पर्यायवाची नाम लेकर, या जीव के पर्यायवाची नाम लेकर, या ब्रह्म के पर्यायवाची नाम लेकर पुकारेंगे, अब जोर से चिल्लाएंगे तब तो बिना नाम के ही वज्रपात आदि हो, मेघ गर्जे तो व्यक्ति जग जाता है, वो अलग बात। उसका अभिनिवेश जिस नाम में है उस नाम को लेकर पुकारने पर वो जगेगा ना। तो प्राण, प्राण में तो अपने नाम का अभिनिवेश नहीं था, ये दिखाया। प्राण में अपने नाम का अभिनिवेश नहीं था तो प्राण के पर्यायवाचक नामों का, अच्छा घंटी बज गई, प्रयोग करके यह सब कहा। तस्मा जीव प्राणयो अन्यतर यह ग्राह्यो न, ग्राह्य जैसे लिखा है ना, ग्राह्यो न परमेश्वर इति प्राप्तम। या तो हिरण्यगर्भ को मान लो, प्राणात्मक हिरण्यगर्भ को, और जीव, जीव प्राणयो, अब जीव को परिभाषित यहाँ भामतिकार ने नहीं किया, अब उनके पे इनकी भामति पर भी टीका है, उस पर भी टीका है, ये तो परिमल ये सब चलता है ना, आभोग है, परिमल है, वेदांत कल्पतरु है, परिमल है, आभोग है, ये सब टीकाकार विद्वान कुछ ऐसे दाव पेंच रख देते थे कि किसी और को भी उनके ग्रंथ पर टीका टिप्पणी समालोचना करने का अवसर मिले, सारा तथ्य स्वयं ही खोल के नहीं लिखते थे, प्राचीन परंपरा थी, नहीं तो शंकराचार्य खोल के रख ही देते तो वार्तिक ब्रह्मसूत्र पर भाष्य पर वार्तिक लिखाने के लिए इतना परिश्रम क्यों करना पड़ता, माने वो रहस्यपूर्ण बातें रख देते थे ताकि गुरु परंपरा का लोप ना हो। अब प्राण को तो परिभाषित कर दिया हिरण्यगर्भ के रूप में, अब जीव को परिभाषित नहीं किया, तो श्रुति से मैंने निकाला कि श्रुति ने यहाँ पर प्रज्ञात्मा कहा है, और कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद में प्रज्ञा और प्राण को लेकर तादात्म्यापत्ति को दर्शाया गया है, तो प्रज्ञात्मा का नाम हो गया जीव, प्राणात्मा हिरण्यगर्भ का नाम हो गया प्राण, प्रज्ञात्मा का नाम, वो प्राणात्मा है और इधर है प्रज्ञात्मा। प्राणात्मा कहेंगे तो प्राण की सिद्धि होगी, प्रज्ञात्मा कहेंगे तो प्रज्ञोपाधिक जीव की सिद्धि होगी। इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। अब उत्तर पक्ष। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।